अस्सलामुअलैकुम। फ्यूज टॉक के प्रोग्राम में आज मेरे साथ मौजूद हैं कराची शहर की एक बासर शख्सियत। हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं, अपना अहम वक्त निकालकर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तस्लीम, कैसे हैं आप सर? जी जनाब, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हैं, मिजाज दुरुस्त है। आप बताइए, आपकी कैसे मिजाज शरीफ है? अल्लाह का शुक्र है। आपका लहजा और जुबान जो है वो काफ़ी साफ मालूम होती है। जी बिल्कुल जनाब, देखिए उर्दू जो है वो हमारी रगों में लहू के साथ दौड़ती है। हमारी वालदाओं ने हमें गुट्ठी में जो चीज़ पिलाई है वो उर्दू है, और उर्दू की जो मोहब्बत हमारे दिलों में है उसकी कोई जवाब नहीं हो सकता, कोई अल्फाज नहीं है उसके लिए। माशाल्लाह, आपके ये उर्दू का जो ये सारी तालीम है, जी जी, ये आप कहाँ से में इसको कनेक्ट करते हैं? शहर कराची से करते हैं या तारीख? जनाब, हम पैदा उर्दू में हुए, हम उर्दू में पैदा हुए। उर्दू में पैदा हुए? जी बिल्कुल, और उर्दू ही हमारा ओढ़ना है, उर्दू ही हमारा बिछोना है। बस यूं समझ लीजिए, जब हम सुबह उठते हैं तो उर्दू है, शाम में सोते हैं तो उर्दू है, हर जानिब हर सू उर्दू ही उर्दू है, और उर्दू ही हमारी वजह जिंदगी है। हमारी सांसों में उर्दू है जनाब। आपकी सांसों में भी उर्दू है, आपकी आपकी रूह में भी उर्दू नजर आ रही है, तो यकीनन आपका उर्दू के जो अदब है उससे काफी गहरी दिलचस्पी रही होगी, काफी वाबस्ता रहे होंगे आप। बिल्कुल जनाब, देखिए हम तो ये बात मानते हैं कि वो उसको उर्दू बोलने का हक ही नहीं है जिसको उर्दू अदब से शगफ नहीं है। मेरी बात से, मेरी बात पे तवज्जो फरमा रहे हैं आप? शगफ? जी बिल्कुल। आप, आपका ताल्लुक कहां से है? मेरा ताल्लुक तो गाजियाबाद से। अच्छा अच्छा अच्छा, बिहार के हैं आप। देखिए यही वजह है, असल में इसमें आपका कसूर नहीं है, ये वजह है कि देखिए इसको आप बुरा नहीं मानिएगा प्लीज। मैं कोशिश करूंगा कि आपके मिजाज पे मेरी गुफ्तगू नागवार ना गुजरे। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए आप बिहार से हैं और बहुत मेहनती लोग होते हैं आप, लेकिन उर्दू की जो उर्दू जो तोहफा है वो आपको मिला नहीं। हमें उर्दू का तोहफा नहीं मिला। हाँ, और आपको मिला है? हाँ बिल्कुल। देखिए इसमें देखिए बुरा मानने की बात नहीं, आप लोग उर्दू बस बोलते हैं, उर्दू की औलाद कौन है? उर्दू की औलाद कौन है? हम उर्दू की औलाद है। आप उर्दू की औलाद? जी बिल्कुल, उर्दू की औलाद है। सर आपका ताल्लुक कहाँ से? जनाब हमारा ताल्लुक लखनऊ से है। अच्छा, लोग कहते हैं कि आप जबान को लेकर काफी मुतासिब हैं। अरे आप अपने आप को कहते हैं हम अहले जबान हैं? जी, आप कहते हैं कि उर्दू हमारी रगों में। देखिए जनाब, हम उर्दू बोलते हैं, उर्दू लिखते हैं, उर्दू कहते हैं, अब इसमें किसी को तासुब नजर आता है? असल में देखिए जनाब, ये जो है ये उस जलन का इजहार है दूसरी कौमों की तरफ से, जो इतनी आला जबान और इतनी शाइस्ता और शगुफ्ता गुफ्तार उनको नहीं मिली है। इस वजह से ये उनके ये होता है, इंसानी फितरत है, ऐसा होता है। हम इसको बुरा नहीं मानते हैं, हम बस ये कहते हैं कि तस्लीम किया जाए, इस हकीकत को तस्लीम किया जाए। अच्छा सर, आपकी मैं हकीकत मान भी लूं, आप मुझे बता सकते हैं कि उर्दू की तरवीज के लिए, उर्दू की फरोग के लिए जी आपकी, आपके आबा व अजदाद की जी क्या खिदमत है? देखिए जनाब, हम
हमारा वजूद उर्दू की खिदमत है। और आपने सुना होगा कि हम हर साल जो है वो एक मुशायरा कराते हैं, और जिस मुशायरे में आप अगर आए, आप इस दफा आइएगा, उसमें शरीक होइएगा, हम उस मुशायरे के अंदर जो है पूरी दुनिया से और हिंदुस्तान से भी भाई आते हैं, उस मुशायरे में हिस्सा लेते हैं। तो एक आलमी मुशायरा हम कराते हैं, और देखिए हम जहाँ मौजूद हैं, हमारा जैसे मैंने कहा, मैं दोहरा रहा हूँ अपनी इस बात को कि हमारा वजूद उर्दू की खिदमत है। सर जी वो तो मैं समझ गया उर्दू की खिदमत है, लेकिन उस मुशायरे में जो मवाद आ रहा है आपके पास, जो आप जिन शोरा को पढ़ रहे हैं, जिन अदीबों का आप जिक्र कर रहे हैं, उन शोरा में उन अदीबों से आपका क्या ताल्लुक है? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। फैज अहमद फैज, अशफाक अहमद, जितने आपके बड़े शायर हैं, मिर्जा गालिब, मीर तकी मीर, ये कहां से आप कह रहे हैं कि ये उर्दू दान है? इसमें तो बहुत सारे पंजाबी नजर आ रहे हैं मुझे। देखिए अव्वल तो ये कि आप अपने लहजे को धीमा रखिए। ठीक, मैं धीमा होके पूछ रहा हूं आपकी उर्दू की क्या खिदमत? देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप अगर अपनी आवाज को बढ़ाएंगे तो आप हमें दबा लेंगे, और आप इस हकीकत से पीछा नहीं हासिल कर सकते हैं जनाब, आप छुटकारा हासिल नहीं कर सकते इस हकीकत से जो मैंने आपको बयान की। हाँ ठीक है, हम मानते हैं कि फराज अहमद फराज जो थे वो पश्तो बोलने वाले शायर थे, लेकिन उर्दू में शायरी थी। हम मानते हैं कि जनाब साहिल लुधियानवी का ताल्लुक पंजाब से था। हम मानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग गुजरे हैं जैसे सादत हसन मंटू साहब पंजाबी बोलने वाले थे, पंजाब में रहे, लेकिन उर्दू में लिखा उर्दू में उन्होंने, इन सब ने उर्दू में लिखा। तो यही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि देखिए अपनी जबान में क्यों नहीं लिखा। सर जी आपने क्या उर्दू में लिखा, शाइस्त ने क्या उर्दू में लिखा, वो जबान है आपकी सीख रहे हैं, पश्तो आपकी, पश्तो बोलने वाला आपकी जबान सीख रहा है, पठान जो है आपकी जबान सीख रहा है, पंजाबी सीख रहा है, सिंधी सीख रहा है, आप उनकी जबान को नहीं समझ रहे। आप कह रहे हैं मेरी जबान, मेरी उर्दू, मेरी रग, क्या बात कर रहे हैं? मतलब मुझे अच्छा, एक आप पे इल्जाम बहुत है, एक और इल्जाम है आप पे कि आप जो है वो अपने जो शहर में इख्तियारात के हुसूल के लिए बहुत ज्यादा सरगर्म रहते हैं, ये सच है, ये दुरुस्त है? सही में आपको एक बात कहूं, इख्तियारात जो है वो बहुत लाजिम होते हैं, लेकिन इख्तियार पे देखें, इख्तियार में बात नहीं करना चाह रहा हूं, और ये हकीकत है कि हमें इख्तियार नहीं मिले। आपको शहर कराची में इख्तियार नहीं मिले बड़ा, हम बहुत खिदमत करते हैं, इख्तियार नहीं मिला। अब जो आपने जो पिछली बार की शायरी की, मैं आपसे अर्ज करूं, मुझे इंक नहीं मिली, स्याही, शायरी करने के लिए आपको स्याही नहीं मिली। वरना आप यकीन मानिए कि ये जो मंटू नामा मंटू रामा ये मैं लिखने वाला था, मुझे स्याही नहीं। अच्छा, मंटू नामा आप लिख देते अगर आपके पास इंक या स्याही होती। जी अब देखिए इसमें कसूर है, जो कराची की जो स्याही है वो कराची को दी नहीं जा रही। अच्छा, वो स्याही पंजाबी ने रखी है, वो देखिए वो सिंधी ने रखी है स्याही ना। जी मैं यही कहना चाहूँ, जो कराची की हक की जो स्याही है वो पंजाब को दी जा रही है। अब कराची के हक की जब स्याही नहीं मिल रही तो हम जैसे लोग कहां से ये शायरी। मैं आपको यकीन मानिए कि मैं नाजरीन बहुत सारी किताबें लिख रहा, मेरा ख्याल है कि इनको उर्दू का भूत जो है वो इनके सर पर ऐसा चढ़ गया है कि उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। अगली बार जो है वो मैं किसी उर्दू बोलने वाले के अलावा किसी मेहमान को बुलाऊंगा और उसके तासरात लूंगा कि वो क्या समझते हैं। जनाब स्याही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह। स्याही का जिक्र बड़ा जरूरी है, स्याही नहीं वरना मिल जाएगा ये, इस पे आप तवज्जो रखें, स्याही नहीं।